हेलो एवरीवन, मैथ मिस्टर रा लेक्चर नंबर 20 रे आपण समस्त को स्वागत करुची। लेक्चर नंबर 19 रे मो ड्रग असिमिलेशन इनटू ब्लड विषय रे पढ़ाई थिली, तार डिफरेंशियल इक्वेशन मध्य बाहर करथिली एंड बहुत सारा फंडामेंटल कांसेप्ट मध्य आपणकर क्लियर करथिली। रिक्वेस्ट करबी जो माने से वीडियो को देखी नांती फर्स्ट टाइम के से वीडियो को देखी नियंतु, तापर आसीके ए वीडियो को देखंतु, आपणकर बहुत सारा फंडामेंटल कांसेप्ट से थ्रू क्लियर हेई पारिबो। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। टॉपिक होची केस स्टडी ऑफ डॉल डिजी एंड डेड। बुझ पाले यही तीन टा टॉपिक विषय रे आम आज डिस्कशन करिबा। ये तीन टा टॉपिक फर्स्ट कौठ आसुची सेटा जानंतु, जेते बेले गोटे लोक अल्कोहल कंज्यूम करूची, गोटे पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करूची रेगुलरली हो बा ओकेजनली हो, सेते बेले से अल्कोहल ता बॉडी रे कौन कौन रिएक्शन करूची, तार कंसंट्रेशन कौन थाए, ता उपरे कंप्लीट टॉपिक रहिबो। बुझिहला, बहुत सहज टॉपिक एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मध्य। इट इज ऑब्जर्व दैट अल्कोहल रिक्वायर्स नो डाइजेशन, कि अल्कोहल को एठी कोनसी डाइजेशन रो आवश्यकता नहीं। अल्कोहल आम बॉडी रे बहुत ही इजीली डाइजेस्ट करी जाए। हला कौन लिखी, दिस कैन बी ऑब्जर्व एक्सट्रीमली रैपिड फ्रॉम स्टोमाक टू द ब्लड स्ट्रीम। बहुत इजिली आम बॉडी रे ऑब्जर्व कर दे स्टोमाक रो ब्लड स्ट्रीम पर्यंत। हला The vapor coming out of alcohol is absorbed through lungs unless alcohol is heavily diluted or taken with food. माने होची कौन? से कौन तार जो अल्कोहल रो जो वेपर बाहर है, अपन वाटर वेपर जानते थे, जो बहुत बहुत केसेस रे अपन देखते हुए जो माने ड्रिंक्स करी चंदी, जो माने मद्यपान करी चंदी, से माने मद पी सारा पर हाकुटी दियंती, तंकर हाकुटी ऐसे ढक्का रो जाको हम कहिथौ, तो से भेपर गुड़ा लंग्स द्वारा अब्जर्व करी ही जाए। हला तापर आउ गोड़ लिखी छी और टेकन विथ फूड, फूड सहित निहंतु बा आपण एम्प्टी स्टोमाक रे पियंतु। वेरी लिटिल मेटाबॉलिज्म अकर्स इन जीआई ट्रैक एंड द एंटायर अल्कोहल इज अब्जर्व इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड स्मार्टली गोज टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन। बहुत जल्दी आम ब्लड स्ट्रीम रे से मिसी जाए अल्कोहल एंड आम ब्रेन पर्यंत मध्य सी कौन हो जाए ट्रांसफर हो जाए। है आम ब्रेन को मध्य पड़े जाए। कहते ना जो मैंने मद पीवा लोक मुंड बेले बेले काम करेनि, कौन गपंती कौन ना, तो ये सब आक्टिविटी ईद पे हुए बिकज अल्कोहल बहुत जल्दी आम शरीर इच पार्ट को पड़े जाए ट्रांसफर हो जाए, ता छड़ा ब्रेन को मध्य से ट्रांसफर। ये देखते ब्लड अल्कोहल लेवल कौन, आपको सर्ट फर्म BALB कहुए, तार फुल फर्म हो ब्लड अल्कोहल लेवल। है तापरे देखंतु कौन लिखी कौन, द अल्कोहल कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड अल्कोहल लेवल। आम ब्लड रे जो अल्कोहल रो कंसंट्रेशन थाए ताकू ब्लड अल्कोहल लेवल बेल की कुहा जाए। इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ ड्रंकनेस। तो BAL बा ब्लड अल्कोहल लेवल को कौन कहा जाए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द स्टेट ऑफ ड्रंकनेस। स्टेट ऑफ ड्रंकनेस माने निशा अवस्था रे। हला गोटे लोकटा जिते बड़े आपड़ देखिए ट्राफिक पुलिस बा जो मैंने बाटे जो पुलिस मैंने सब धरूँ मद पी लोक मानकर गोटे मीटर थाए गोटे मेसीन थाए से यूज्रे मदर के अल्कोहल परसेंटेज अच्छी कनसेट्रेसन अच्छी सी तरह देख सब मैंने से जापारती कि लोकटा के देखते तार काल्कुलेसन केमी कराए। BAL ब्लड अल्कोहल लेवल इज इक्वल्स टू टोटाल मास ऑफ अल्कोहल इन ग्राम्स। अल्कोहल को ग्राम्स रे हिसाब करा जाउची तार मास माने तार वेटा। हला तापर लिखी ना टोटल फ्लूइड वॉल्यूम इन द बॉडी, आम बॉडी रे जति की फ्लूइड वॉल्यूम अच्छी, तो टोटल मास इन अल्कोहल ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल फ्लूइड वॉल्यूम इन द बॉडी सी होची आमर ब्लड अल्कोहल लेवल। बुझ पाले तापर लिखला कौन, ब्लड अल्कोहल लेवल इज मेजर इन ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो केमी काल्कुलेशन करा जाए, ग्राम रे तार काल्कुलेशन करा जाए पर 100 ml हिसाब रे, ये होची तार काल्कुलेशन रो प्रोसीजर। हला तापर नेक्स्ट लिखला कौन, द अमाउंट ऑफ अल्कोहल सब्सिक्वेंटली अब्जर्व इनटू द ब्लड स्ट्रीम डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। से कौन होता है ना, सब्सिक्वेंटली अब्जर्व माने अवशोषित मदर मात्रा। बुझिहला अवशोषित मदर मात्रा सब्सिक्वेंटली अब्जर्व इन द
ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲ୍, ମାନେ ଆଲକୋହଲର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକା ଥିବ ସେଇ ଆକୋର୍ଡ଼ିଂଲି ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ହେଲା। ଅଦର୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଜି ଆଇ ଟ୍ରାକ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଇଏ ସେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଉପରେ ବି ଇଏ ଭେରି କରେ, ହେଲା। ଆଲକୋହଲ୍ ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଟ୍ ଏ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଟ୍, ଆମ ବଡିରୁ ଗୋଟେ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଆଲକୋହଲ୍ ବାହାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ରିମୁଭ୍ ହୁଏ ବାଇ ଦ ଲିଭର୍। ଦିସ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲ୍, ଦ ବଡି ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ଇଏ କ'ଣଠାରୁ ନା କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡି ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଠାରୁ ଇଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା କିୱାର୍ଡ଼ସ୍। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଲେଖିଛି, ଯେଉଁ କିୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବୁଝେଇଲି, ସେ କିୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଏ କିୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ, ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର୍। ହାଉ ବ୍ଲଡ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ଲେବଲ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଟେବୁଲ୍। ଇଏ ବହୁତ ମଜାଦାର ଟପିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଲକୋହଲ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ କେମିତି ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ନେକ୍ସଟ୍ ଟେବୁଲ୍। ସୋ ଟେବୁଲ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେବୁଲ୍ ଏଠି କରିଛି, ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ଲଡ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ଲେବଲ୍, ଇଏ କେଉଁ ତା'ର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଅଛି ପର୍ 100 ml, ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ତା'ର ବିହେଭିଅର୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍, ତା'ର ବିହେଭିଅର୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେବ ଆଣ୍ଡ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଗଲା। ସୋ ଡଲ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ ସିଏ ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଏଇ ଏଇ ଆରି ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ। ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଏ ଆସିଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠୁ ଆସିଯାଇଥାଏ ଡେଡ୍ ପୋଜିସନ୍, ଯେତେବେଳେ 0.35 ଗ୍ରାମ୍ସ ପର୍ 100 ml ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲକୋହଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ଏକଦମ ମୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେବ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଡିଜି ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ନା, ଡିଜି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ନା, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ, ରଙ୍ଗ, ହେଲା। ତ ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ, ଯେତେବେଳେ 0.5 ଗ୍ରାମ୍ର ଥାଏ ଆଲକୋହଲ୍ ପର୍ 100 ml, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ବହୁତ ଏକଦମ ହାପି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସିରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ହେଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ୟାରେଜ୍ ଅକେଜନ୍ ହେଲା, ତ ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ସଫ୍ଟ ବିୟର୍ ଫିଅର୍ ପିଅନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 0.05 ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଥାଏ ଆଲକୋହଲ୍, ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ଥାଏ, ହେଲା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଡଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ଼୍, ମାନେ ଡଲ୍ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଖୁସିରେ ଯେଉଁଟା ପିଅନ୍ତି, ହେଲା। ତ 0.5 ମାନେ ବଡ଼ିରେ କିଛି ବେଶୀ କ୍ଷତି କରେନି, ବଟ୍ ତା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଞ୍ଜେରିୟସ୍, ମାନେ ତା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ହେଲା। ସୋ ରାପିଡ଼ଲି ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ଆସେ ଆମ ବଡ଼ିରେ, ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି 0.40 ଆସିଯାଏ ନା, ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଏକଦମ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଥ୍ କରିଯାଆନ୍ତି, ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ବି, ଇଏ 1 mark ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ, ମୁଁ କହୁନି ଇଏ ଆସିବ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍, ବଟ୍ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଇଠୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ସୋ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଏଇଠୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା, ଏଠି ମୁଁ କିଛି କି ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲ୍ ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ, କେଉଁ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କେମିତି କରାଯାଏ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏପଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ ଇଏ ଟପିକ୍ଟା, ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଯିବା, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେବୁଲ୍ ବୁଝାଇବା ଲାଗିବି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆଇ ହୋପ୍, ଟେବୁଲ୍ଟା ବୁଝିବାରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ରୁ ଏବେ କହୁଛି। ସୋ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜମ୍ପ୍ସନ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଲେଖିଲି ଲେଟ୍ ସି ୱାନ୍ ବି ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ଇନ୍ ଜି ଆଇ ଟ୍ରାକ୍ C1T, ହେଲା। ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟିରେ C1କୁ ଆମକୁ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ଇନ୍ ଜି ଆଇ ଟ୍ରାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଜି ଆଇ ଟ୍ରାକ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆମ ବଡ଼ିର ଆମ ପାଟି ପାଖରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆନସ୍ଟା, ହେଲା, ତାକୁ ଜି ଆଇ ଟ୍ରାକ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ C2T ୱିଥ୍ ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆର୍ ମେଜର୍ ଇନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ଲେବଲ୍ ଗ୍ରାମ୍ ପର୍ 100 ml। ସୋ ଏଠି ଲେଖିଲା
लेट एफ वन बी द फ्लो रेट ऑफ फ्लुइड फ्रॉम द जी आई ट्रैक्ट एंड एफ टू बी द फ्लो रेट ऑफ फ्लुइड फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज है टिश्यूज लिखा लिखिदेवे सो ये है कौन लिखे आउ थे मुझे एफ वन बी द फ्लो रेट ऑफ फ्लुइड फ्रॉम जी आई ट्रैक एंड एफ टू बी द फ्लो रेट ऑफ फ्लुइड फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज ओके एंड आई इज द रेट ऑफ इंजेस्टन ऑफ द ड्रग ग्राम्स पर यूनिट टाइम एंड आई इज द इंजेस्टन रेट ऑफ अल्कोहल मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ ब्लड पर हावर्स ये आपण बॉडी रे जेते बेले ऑब्जर्व हुए तो आको मैथमेटिकली आमे अज्यूम कले ए माने एफ वन ये हिथिबो एफ टू एटा हिथिबो सो आको आमे ऑब्जर्व कले एंड ए गिवन डेटा को नेके आमे इक्वेशन टा को लिखिबा हला नेक्स्ट कोन देला दस आई इज इक्वल टू वन बाई वीबी वेयर वीबी इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द ब्लड मेजर इन 100 ml 100 ml हिसाब रे आमे हिसाब करूचे कोन वीबी होची कोन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कार वॉल्यूम ऑफ द फ्लुइड इन द ब्लड एंड वीजी इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लुइड इन जी आई ट्रैक यूजिंग बैलेंस लॉ बैलेंस लॉ रे आमे आकु लिखिले कि कौन वीजी जोटा से होची वॉल्यूम ऑफ द फ्लुइड इन जी आई ट्रैक भितर जो वॉल्यूम अच्छे हैला तो बैलेंस लॉ एट दुटा इक्वेशन मुझे लिखिली ये आ विषय में प्रीवियस वीडियो कही देती दुटा आम इक्वेशन लिखा गोटे सी वन गोटे सी टू है कारण जी आई ट्रैक गोटे गोटे हूँ आप ब्लड है सो एट डी सी वन डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू ये गोटे फिक्स टाइम है गोटे फिक्स टाइम टी रे सी वन माने कंसंट्रेशन केते थाय एठी जी आई ट्रैक रे आई माइनस के वन सी टू है के वन सी टू एंड सेकेंडटा जोटा था सी टू सी थाए के डी सी टू डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू के टू सी वन माइनस के फोर सी टू दुटा इक्वेशन आम रहा इक्वेशन वन आपको मुझेदेली सो एटी सेकेंड इक्वेशन टा के डी सी टू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टू सी वन माइनस के फोर सी टू ये थिला एंड एटी के फोर टा कौन के फोर हूँ के थ्री डिवाइडेड बाय सी टू प्लस एम एटी कौन देखिए देख सी टू के वन के टू एटी कौन के वन के टू आर कन्स्टांट एंड एम इज एनी पॉजिटिव वैल्यू एम टा कौन गोटे पॉजिटिव वैल्यू ये डिफरेंशियल इक्वेशन रे गिवन डेटा को लेकिन ये दुटा डिफरेंशियल इक्वेशन बाहर कला बुझेगा एंड आई कौन आई इज द अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम आई कौन अमाउंट ऑफ अल्कोहल केते मात्रा रे अल्कोहल से कंज्यूम करुची पर यूनिट टाइम माने गोटे फिक्स टाइम रे टी रे बुझिपारे टेकन इन वन आवर्स ये आमर यूनिट देला कौन ये आमर टाइम देला एटी गोटे घंटा हिसाब से केते अल्कोहल कंज्यूम करुची ता जी आई ट्रैक रे हैला तापर नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन ना सी वन एंड सी टू आर द कंसंट्रेशन मेजर इन द यूनिट ऑफ ब्लड अल्कोहल लेवल एटे सी वन एंड सी टू कौन देला कंसंट्रेशन ऑफ मेजर कंसंट्रेशन मेजर इन द यूनिट ऑफ ब्लड अल्कोहल लेवल ये देला सी वन एंड सी टू तापर नेक्स्ट देला इफ सी टू इज अ लार्ज कंपाउंड विथ एम देन सी टू डैश इज इक्वल्स टू माइनस के थ्री एंड सी टू टी इज डिक्रीजिंग एट द कॉन्स्टेंट रेट के थ्री है एंड सी टू डिक्रीजेस एंड बिकम स्मॉलर देन एम एंड सी टू डैश इज इक्वल्स टू के माइनस के थ्री डिवाइडेड बाई एम ब्राकेट रहा सी टू दैट इम्प्लाइज सी टू इज इक्वल्स टू के टू द पावर माइनस के थ्री एम टी है गोटे फिक्स टाइम टी रे सो ये रहा आमर इक्वेशन तापर नेक्स्ट देखो एटी सेकेंड केसेस देख कौ द सी टू इज द एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन दिस शोज दैट सी टू टी रिमेन्स पॉजिटिव एंड अप्रोप्रिएट
वैल्यू ऑफ एम इन द केस ऑफ एम इज इक्वल्स टू 0.05 इन यूनिट्स फॉर ब्लड अल्कोहल लेवल। ये दिला हमरो कते एम एम गोटे पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमरो जो 0.5 हिसाब से फास्ट जाऊ छी। आपण अल्कोहल कंज्यूम करिए माने ये 0.5 टा आपण बॉडी रे कंज्यूम हला। तापरे दुटा केसेस देइछि हला, ये हमरो आउथरे मु आपनको कहि दउ छी। एटा आई होप आपण बुझि पारथिबे दुटा सिचुएशन एठी देला। एंड एठी हमरो कोन देला C1T एंड C2T। तापरे एबे चलंतु दुटा सिचुएशन विषय डिस्कशन करिवा कि गोटे पर्सन जेतेबेले एम्प्टी स्टोमाक रे ड्रिंक्स करे, एम्प्टी स्टोमाक रे पिए, सेतेबेले ता बॉडी रे अल्कोहल एंड जीआई ट्रैक एंड ता ब्लड स्ट्रीम रे केते मात्रा रे अल्कोहल थाए एंड तार इक्वेशन मध्ये डिस्कशन करिवा। एंड जेतेबेले से किछि फूड सहित अल्कोहल कंज्यूम करे ता विषय रे मध्ये हम इक्वेशन को डिस्कशन करिवा। एम्प्टी स्टोमाक रे आपनको बॉडी रे केते जल्दी अल्कोहल आपनको ब्लड स्ट्रीम रे मिसे, इन दिस केसेस माने जेतेबेले आपन एम्प्टी स्टोमाक रे ड्रिंक्स करंती से केसेस रे कौन हुए, द अल्कोहल इज रैपिडली अब्जर्व इन टू द ब्लड स्ट्रीम इन द फास्ट आवर। गोटे घंटा भितर आपण बॉडी रे पूरा टोटल आपण बॉडी ब्रेन सब आड़े आपण अल्कोहल अब्जर्व हो जाए, बुझेगा। दैट मीन्स K1 K2 इज इक्वल्स टू जीरो। एटी K1 K2 कौन हम जीरो हम, बुझे कौटा ना प्री फास्ट जो केसेस थिला अपने मुझे देखेली आपण ये आपण K1 आउ K2 एठी जीरो हबो, ए K1 K2 जीरो हबो, बुझि गेला। अल्कोहल रैपिडली अब्जर्व हो जाउची। इट इज द अमाउंट इट इज अज्यूम दैट इन इनिशियल ड्रिंक्स आर कंज्यूम्ड बट मोर अल्कोहल इज टेकन। मने करो एटी कौन कला गला आज्यूम करा गला कि एन इनिशियल ड्रिंक्स एन नंबर माने एतिक ग्लास रे आपण पी चंती हला आर कंज्यूम्ड बट नो मोर अल्कोहल इज टेकन। मने करो आमे आज्यूम करिवा कि किछि अल्कोहल तादरे नाही एंड एतिक पिया हिची। सो दिस मीन्स इन द स्टोमाक द अल्कोहल कंसंट्रेशन इज जीरो। ता माने कोन जदि आपणकर ड्रिंक्स रे अल्कोहल नाही ताहले आपणकर स्टोमाक रे अल्कोहल रो कंसंट्रेशन केते रहइबो, डेफिनेटली आपणकर अल्कोहल कंसंट्रेशन जीरो रहइबो आट ए टाइम टी रे, गोटे फिक्स टाइम रे, बुझियला। सो एठी C1T केते हबो जोडे के हमर जीआई ट्रैक थिला C1T केते हबो जेहेतु आपणकर स्टोमाक रे किछि अल्कोहल नाही तेणु C1T एठी हबो जीरो, जाको हम C0 बोली केडी लिखुचे, वेयर C0 इज द इफेक्टिव ब्लड अल्कोहल लेवल फ्रॉम द इनिशियल ड्रिंक एस कंज्यूम्ड आई इज इक्वल टू जीरो हला। इनिशियल टाइम रे जेहेतु आमर स्टोमाक रे बा आम जीआई ट्रैक रे अल्कोहल किछि नाही तेणु एठी आमे C1 आट टाइम टी गोटे फिक्स टाइम रे ता वैल्यू केते हबो जीरो हबो हला। एज देयर इज नो सब्सिक्वेंट ड्रिंक्स इन द ब्लड स्ट्रीम द इनिशियल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड स्ट्रीम इज जीरो। ये लिखला दिस मीन्स देयर इज नो अल्कोहल प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम प्रायर टू द ड्रिंकिंग। ओके सो फ्रॉम द एभव अज्यूम्शन जहाँ भी आम एभव अज्यूम्शन ने जेहेतु आम बॉडी रे किसी अल्कोहल नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज DC1 आट टाइम टी गोटे फिक्स टाइम रे DC1 डिवाइडेड बाय DT इज इक्वल्स टू -K1C1। जेहेतु आमर एटी अल्कोहल रो कंसंट्रेशन जीरो अच्छी सो ये हम फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कौन सेकंड इक्वेशन ताहले कौन हम DC2 डिवाइडेड बाय DT इज इक्वल्स टू K2C1 -K3C2 डिवाइडेड बाय K2M C2 जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। द इनिशियल वैल्यू C0 इज इक्वल टू NCS NCS एट C0 कौन C0 केते हबो NCS N कौन वेयर CS इज द इफेक्टिव ब्लड अल्कोहल लेवल एट CS कौन ब्लड अल्कोहल लेवल इफेक्टिव ब्लड अल्कोहल लेवल प्रोड्यूस बाय सिंगल स्टैंडर्ड ड्रिंक एंड N इज द नंबर ऑफ ड्रिंक आप एनटा कौन केते नंबर रो आपण केते ग्लास आपण पीचंती सी हबो आपणकर N। द वैल्यू ऑफ CS डिपेंड्स ऑन द सेक्स एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल तो ये जो CS टा
हला ये सी वेस्टा कौन करे ना वेरी करे जदि आपणकर आपण मेल अछंदी बा फीमेल अछंदी ता अपरे आपणकर वेरी करे बुझवाले आज दे डिटेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड फॉर दैट पर्सन हला से पर्सनटा मेल बा फीमेल तो ये तार बॉडी वेट ऊपर भी डिपेंड करे ओके सो वन ड्रिंक्स प्रोड्यूस 14 ग्राम इफेक्टिव अल्कोहल ता माने गोटे ड्रिंक्स यदि आपण पिउचंती ताले सेठी आपण को 14 ग्राम रो इफेक्टिव अल्कोहल आपण को मिली थाए बुझ पाले तापर ये देखते किसी पॉइंट मुझे लिखी ये आपन को बहुत सारा हेल्पफुल कर वन मार्क आसवे ये हेल्पफुल कर सब टॉपिक गुड़ाक ये सब पॉइंट गुड़ाक मन रखिए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लूइड इन ए ओमेन गोटे ओमेन शरीर में जो टोटल ब्लड वॉल्यूम टोटल ब्लड फ्लूइड जो अच्छी टोटल वॉल्यूम है ब्लड फ्लूइड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.67 × W liters यहाँ आपण बहुत बहुत हेल्पफुल हम ये आपण लाइफ रे भी आप जिनसटा मन रखिए गोटे ओमेन शरीर में केते रक्त अच्छी है सेटा आप आराम से जापर जदि ये फर्मूला को मन रखिए कहते 0.67 × W व्वेर डब्ल्यू इज द बॉडी वेट इन केजी मनकर गोटे ओमेन रडी जदि बॉडी वेट जदि मनकर 50 kg होता है आप्रोक्सीमेटली मुझे धरू 40 to 50 kg मोस्ट ऑफ द ओमेन कर वेट होता है तो जदि 40 to 50 kg अच्छी ताले से वेट ता बॉडी वेट सहित 0.67 आपण गुणीदेवे सी आपण टोटल ब्लड फ्लूइड बाहर जाए कि आपण शरीर में केते रक्त बहुत बुझिपारे सिमिलरली टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लूइड इन ए मेन गोटे पुरुष जदि आप रक्त केते आपण बॉडी रे जदि बहुत आपण जे जानिबाक चाहिबे दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.82 × W liters व्वेर डब्ल्यू इज हिज बॉडी वेट इन केजी हला गोटे गोटे मेन शरीर मेन रोटे पुरुष वेट नॉर्मली 60 kg एभव होता है मोस्ट प्रोबेबली 55, 60, 70 ए टाइप प्राय मोस्ट प्रोबेबली लोकों वेट होता है तो आपड़ देखिए आप जो भी मेल रहा चेक करा चाहिए बॉडी वेट ता सहित 0.82 आप गुणीदेवे है टोटल बॉडी में केते रक्त अच्छी सी से जना पड़े के ब्लड अच्छी आपणकर जापर ता मैंने प्राक्टिकाली आम देखा गले मेन मानकर जो ब्लड फ्लूइड थाए ता अधिका थाए आज कंपेयर टू वोमेन वोमेन मानकर जो शरीर जो ब्लड बाहर ब्लड बहुत सो वोमेन मानकर ब्लड ठार मेन मानकर ब्लड अधिका थाए है तो सेकेंड पॉइंट रेट देखते द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन ब्लड फ्लूइड्स इन द बोथ मेन एंड वोमेन इज अमाउंट ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल फ्लूइड्स इन ग्राम पर लीटर यह फर्मुलाटा को आप मन रखिए ये आप यूजफुल हम है दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर 100 mole एंड दैट इज ब्लड अल्कोहल लेवल है तो ये दुटा पॉइंट को आप भल मन रखती ये आप सोशल लाइफ रे मध्ये आपको हेल्पफुल कर कहार भी आप ब्लड फ्लूइड के बॉडी रे अच्छी सी आप बाहर करेंगे ये आप मन रखिए एंड ये आप सर्ट क्वेश्चन आसीपे आसब कहूनी आसीपे एग्जाम से आप भल भाव ये टॉपिक को क्लियर है तापर नेक्स्ट देखते गोटे क्वेश्चन ये मुझे सो क्वेश्चन टा होची एया कि मेल ऑफ 68 kg गोटे 68 kg रा गोटे मेन तार वेट होची 68 kg हु कंज्यूम 3 glass ऑफ वाइन रैपिडली एंड स्टॉप ड्रिंकिंग से कौन 3 glass सी पीला कौन रैपिडली फास्टली पीला है एंड स्टॉप ड्रिंकिंग तापर बंद करदेला देन फाइंड द अल्कोहल कंसंट्रेशन इन हिज बॉडी ता बॉडी रे केते अल्कोहल कंसंट्रेशन अच्छी ताकु बाहर करा हबो एबे हला ताले आंसर बाहर करिबा वेट तार केते 68 kg नंबर ऑफ ग्लासेस केते कंज्यूम करची 3 टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लूइड तार वॉल्यूम आगे बाहर कर दा ब्लड फ्लूइड केते अच्छी वॉल्यूम आमे जानिचे एडी लिखी छी मु ऊपर कि 0.82 × W तेणु तार आमे वॉल्यूम बाहर कर दबा केते 0.82 × W दैट इज इक्वल्स टू ये केते हिजिव देखंतु 0.82 × ता वेट केते 68 kg ताहले टोटल ता गुणी देले हेला 55.76 liter त
ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବଡିରେ 55.76 liter ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଅଛି, ତା'ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲ ପର୍ ୱାନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ଆଲକୋହଲ କେତେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି, 14 gram ଆଲକୋହଲ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କେତେ, ତା ବଡ଼ିରେ ଟୋଟାଲ ରକ୍ତ କେତିକି ଅଛି, ରକ୍ତର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ ଅଛି, 55.76 ଅଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର କେତେ ଆସିବ, 14/55.76 gram/liter ଇଏ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି, 3 glass ନେଇଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଏତିକି ହେଉଛି, 3 glassରେ କେତେ ହେବ, 3 ହେବ, 3 × 14.14/55.76 gram/liter ଯେଉଁଟାକି ହେବ 14 × 3/55.76, ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 0.75 gram/liter। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ତା ବଡ଼ିରେ କେତେ ଆସୁଛି, 0.75 gram/liter, ଇଏ ହେବ ତାର ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ। କାଫି ଇଜି ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 3 mark ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି କେତ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଥିଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଫ୍ରମ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ, ଆମ ପାଖରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଇଏ ଥିଲା, ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ, K3 ଇଜ୍ ଦ ମେଜର୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଟ୍ ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଦ ଲିଭର୍ ରିମୁଭ୍ସ ଆଲକୋହଲ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଦ ସେମ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି 8 gram/hour। ହେବରେ ଆମ ଲିଭର୍ରେ ଯେଉଁ ରିମୁଭ୍ ହୁଏ କେତେ ଥାଏ ନା, 8 gram/hour, ଘଣ୍ଟାରେ 8 gram ହିସାବରେ ରିମୁଭ୍ ହୁଏ। ଇଏ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ K3 ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଇଏ ରିମୁଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା, ଇଏ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ରିମୁଭ୍ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ିରୁ, ତେଣୁ ଏଠି K3 ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ପୁଟ୍ କରିଦେବେ, ସୋ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରିମୁଭ୍ ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେଉଁ ରିମୁଭାଲ୍ର ଥାଏ କେତେ ଥାଏ, 8 gram/hour ହିସାବରେ ସେ ରିମୁଭ୍ ହୁଏ ସେଠି ଲିଭର୍ରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆଲକୋହଲ ଲେଭେଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା, ଫର୍ ଦ 68 kg ମ୍ୟାନ୍ ଦ ରିଡକ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ଆଜ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 8 gram/hour ହିସାବରେ ଇଏ ରିମୁଭ୍ ହୁଏ। ଥରେ କେତେ ହେଇଯିବ, 8/55×10, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 0.014 ବ୍ଲଡ୍ ଆଲକୋହଲ ଲେଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଲା, ଫର୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଓଭର୍ ଦ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପିଉଛି ମାନେ ସବୁଦିନିଆ ବୁଝିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ୱି ଟେକ୍ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ, ସେଠି ଆଇ କେତେ ନିଆ ହେବ, N/TCS, ସେଠି ଆଇ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନିସିଆଲ ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ହେଲା, ସେ N/TCS ବ୍ଲଡ୍ ଆଲକୋହଲ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ ଆୱାର, ଯେହେତୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପିଉଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଆଲକୋହଲ ଥିବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି, ଯେଉଁ ଲୋକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପିଉଥିବ। ଆଣ୍ଡ C0=0 ଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1, ହ୍ୱେୟାର୍ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଭରେଜ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ଇନ୍ ଦ ଟି ଆୱାର୍ସ, ତେଣୁ ସେଠି ଆଭରେଜ୍ ବି ଦିଆହେବ, ଗୋଟେ ଆୱାର୍ ବି ଟି ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେ କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ତା'ର ପିଉଛି, ହେଲା। ସୋ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫ୍ ମୁଁ ଦୁଇଟା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍ସରେ ପିଏ ତ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଥାଏ, ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଡାର୍କ ଗାରଟା ଥାଏ ଅଛି ନା, ଏ ଯେଉଁ ଡାର୍କ ଗାରଟା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପକେଇଛି, ଇଏ ଏଠି ଲେଖିଛି କ'ଣ, ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ସେ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଆଲକୋହଲ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ 68 kg ମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଅନ୍ ଦ ଏମ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ୱିଥ୍ N=3 drinks/hour, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ବଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ 2 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱେନ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ପାଇଁ, ହେଲା। ଦ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଇନ୍ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଆଲକୋହଲ ଲେଭେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଣ୍ଡ C2T ଆଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ଇଏ ବାଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଇଏ ବାଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍, ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା, ଦ ଲେବେଲ୍ ଇନ୍ GI ଟ୍ରାକ୍ରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲକୋହଲ ଅଛି, ସିଏ ଆପଣ ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରେ କ'ଣ କିଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍। C1T ଦ ଲିଗାଲ୍ ଲିମିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆଲକୋହଲ ଲେଭେଲ୍ ଇଜ୍ 0.05 ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ବାଇ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ୍ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍, ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଇଏ ଆମର କେତେ 0.05 ବ୍ଲଡ୍ ଆଲକୋହଲ ଲେଭେଲ୍କୁ ଇଏ ଡିନୋଟ୍ କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଫ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅକେଜନାଲି ଯିଏ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରେ ଆଉ ଯିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରେ, ବୁଝିହେଲା। ତା'ର ଯେଉଁ ମଦର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିଛି, ଇଏ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପିଇଲା
ଉଠିଲା ପୁଣି ଖସିଗଲା ୟେଲୋକର ଅକେଜନାଲି ପିଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଯିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପିଉଛି ତ ତା ବଡ଼ିର ବ୍ଲାକ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖୁଥିବ ପୁରା ସିଧା ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ମିଲ୍ ସହିତ ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଦ ରେଟ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଲକୋହଲ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜିଆଇ ଟ୍ରାକ୍ ଇଜ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ୱେନ୍ ଆଲକୋହଲ ଇଜ୍ ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଅର୍ ଟେକେନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମିଲ୍। ତାମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶା ହେବ ନାହିଁ ବା ଆଲକୋହଲ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଇଏ ଦେଲା ଏଠି ଆପଣ ବେଶୀ କିଛି ଦେଇନି, ବାସ୍ ଏମ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏମ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମିଲ୍ ହିସାବରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣି ରଖନ୍ତି ଏତିକି ହେଉଛି ତା'ର ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଟା। ଫ୍ରମ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ କେ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ କେ ଟୁ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ମୁଁ କରିଥିଲି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେଟ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଲକୋହଲ ଲିଭ୍ସ ଦ ଜିଆଇ ଟ୍ରାକ୍ ଇଜ୍ ଦେନ୍ ଦ ରେଟ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଲକୋହଲ ଏଣ୍ଟର୍ସ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ମିଲ୍, କିଛି ବି ଆପଣ ଯଦି ମିଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆବେଲ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କେ ଟୁ ୱିଥ୍ କେ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୁ। ସୋ ସିମିଲାର୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଫ୍ ଏଠି ଦିଆଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଯିଏ ଅକେଜନାଲି ପିଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପିଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯିଏ ମିଲ୍ ସହିତ ପିଆପି କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଯିଏ ମିଲ୍ ସହିତ ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଟିକିଏ ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ନିଶା ହେଲା, ବହୁତ କମ୍ ନିଶା ହେଲା ହେଲା, ବାସ୍ ଯିଏ ଗଲା ଟିକିଏ ଉଠିଲା ପୁଣି ଖସିଗଲା ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଯିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯିଏ ପିଉଛି ସିଏ ତ ତାର ତ ଏ ବ୍ଲାକ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପୁରା ଏମିତି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗଲ୍ରେ ତାର ପୁରା ନିହାତି ଏମିତି ରହିଥିବ ହେଲା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡେଟା ଦେଲା, ଆପଣ ଆକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ କାଫି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଟପିକ୍ଟା ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଇଏ ପଢ଼ୁଛି ଆରାମସେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଟପିକ୍ ଭିତରେ ପଢ଼ାଉଛି ସେତିକି ହିଁ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରୁ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି, ବୁଝିହେଲା, ଏତେ ଭିତରୁ କେବେ ବି ଆସେନି। ଯେତିକି ମୁଁ ପଢ଼ାଉଛି ସେତିକି ହିଁ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଆସିବନି। ତ ଆରାମସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।